तीन अमेजिंग फैक्ट अबाउट जेब्रा। फैक्ट नंबर वन, हम सभी सोचते हैं कि जेब्रा के सफ़ेद शरीर पर काला पट्टियां होते हैं, लेकिन असल में जेब्रा के काला शरीर पर सफ़ेद पट्टियां होते हैं। फैक्ट नंबर टू, जेब्रा और गधे के मिश्रण में पैदा हुआ बच्चे को जोंकी कहा जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, घोड़े अकेले नहीं, जेब्रा भी घोड़े की तरह खड़े होकर सो सकते हैं।